सचमुच में झारखंड के टाइगर हैं। आंदोलन की भट्टी में तब के निकले ऐसे नेता जिनने जेएमएम को खड़ा किया और अलग झारखंड बनाने में भी उनकी बहुत उल्लेखनीय भूमिका है, जनता में उनका आदर है। वो झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जिस ढंग से विदेशी घुसपैठ के कारण झारखंड तबाह और बर्बाद हो रहा है, बेटियों से शादी करके उनके नाम पर जमीनें खरीदी जा रही हैं, वो चिंतित हैं। जिस ढंग से नोटों के पहाड़ बरामद हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, उससे वो चिंतित है। और जिस ढंग से उनको अपमानित किया गया, मुख्यमंत्री होते हुए नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिए, कार्यक्रम नहीं करने दिए, क्योंकि जेएमएम पति पत्नी की पार्टी बन के रह गई है और इसलिए उन्होंने झारखंड को बचाने के लिए भाजपा का दामन थामा है। गठबंधन की सरकार जाना अब तय है, भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाएगी। बिल्कुल कुछ भी नहीं, वो बहुत बड़े नेता हैं और मैं उनका बहुत, मेरे मन में उनके लिए आदर और बढ़ गया, उनकी कोई शर्त नहीं। अराजक झारखंड बना दिया है हेमंत सोरेन ने, क्या इतनी भी संवेदना नहीं है कि बच्चे जो फिजिकल टेस्ट देने आएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, उनको पीने की पानी की व्यवस्था कर देते, उनको बैठने की व्यवस्था कर देते हैं। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और नौजवान भी अब माफ नहीं करेंगे इस सरकार को। पश्चिम बंगाल की अंतिम सवाल है, पश्चिम बंगाल में जो हालात है, कई डॉक्टरों के साथ ऐसी घटना होती है, क्या वहाँ सरकार रहने का हकदार है? भारत माता की आत्मा घायल है, बेटियों के साथ ऐसे अन्याय हुए और अपराधियों को संरक्षण ममता दीदी दे रही है। महिला होके ऐसी संवेदन शून्य कैसे हो सकती है ममता दीदी? ममता दीदी जवाब दें, घटना हुई और पहले बेटी के माता पिता को बताया गया कि वो बीमार है, फिर कहते हैं आत्महत्या कर ली, कई घंटों तक एफआईआर नहीं, और बाद में एफआईआर के बाद भी घटनास्थल से सबूत मिटाने के लिए भीड़ घुसेड़ दी गई। 48,600 मामले लंबे थे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ममता दीदी, जिनमें अधिकांश मामले पॉक्सो के हैं, बहन और बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार के हैं। कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे हैं? आज चिट्ठी लिखती है प्रधानमंत्री जी को, जो कानून है उन कानूनों के तहत ममता बनर्जी क्या कर रही, पहले इसका जवाब दे।